Assalamualaikum दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब? What's that? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा बीमार भी, मुझे नज़ला जुकाम हुआ है, लेकिन पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। तो आज मेरी दोस्त की है मेहंदी, हम अब वहाँ पे जाएंगे। मुझे नहीं पता मैं क्या पहनूंगी, तो मैं उस सारे प्रोसेस से आप लोगों को गुजारूंगी। मतलब मेरे साथ रहो ना दोस्त, तो मॉरल सपोर्ट भी होना चाहिए। सैलून से बाल बनवाऊंगी क्योंकि बाल बनाने में मैं बहुत बुरी हूँ, एंड व्लॉग बनाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारी लड़कियों को कौन समझाए कि अच्छी स्किन केयर आपकी एजिंग को रिवर्स कर सकती है, आपकी डल ड्राई डैमेज स्किन को बेहतर से बेहतरीन कर सकती है, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करो। सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, अब मैं यहाँ पे नाइसिनमाइड के पैड्स यूज़ कर रही हूँ, वो लगा लिया। उसके बाद मुझे चाहिए भाई हाइड्रेशन। सो स्टार ऑफ द शो जो है ना इज पॉन्ड्स का सुपर जेल मॉइस्चराइजर, जो कि मैं आज यूज कर रही हूँ, एंड आई लव इट सो मच, क्योंकि इस गर्मी में थिक रिच मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया जाता, बट मैं ये लाइट सा सुपर लाइट वेट सा मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, जो कि इतना मॉइस्चराइजिंग है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़बरदस्त है, जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट है, नो ग्रीसीनेस, ठीक है। आप इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाते हो तो आपकी फाउंडेशन हाइड्रेटेड रहती है थ्रू आउट द डे। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है गाइज, सो फ्रिकिंग गुड। और गर्मी में सबसे बड़ी खप होती है कि शादी में जोड़ा कौन सा पहने। भाई आप शादी में जा रहे हैं और आपने बहुत सादा सलोन का सूट पहना है, तो हर किसी ने बोलना है भाई लगता है इसका मियाँ इसका ख्याल नहीं रख रहा। तो उसी चक्कर में मैं सूट पे सूट देख रही थी कि मैं कौन सा पहनूं। लुलु सर का पहले मैंने ये पहना, फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नीचे मैंने मच्छरदानी पहनी हो, आय की शाय सी। मतलब मॉडल पे इतना सोना लग रहा था, मैं तो मोटी माज लग रही थी इसमें। फिर मैंने इरादा तर्क वर्क किया, तब जब मैंने इसकी नीचे स्लिप दिखी है ट्राउज़र में, मतलब कि ये क्या क्या मजाक है, मतलब शॉर्ट स्लिप बनाने की क्या ज़रूरत है ट्राउज़र में, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर फिर मैंने ये करिश्मा का सूट निकाला, एंड ये कहाँ से 18,000 का लग रहा है दोस्तों, मतलब व्हाट द हेल, ब्रांड्स को पता नहीं क्या मसला हो गया, निक्के निक्के ट्राउज़र बनाते हैं तो छोटी छोटी कमीज़ें, लाइक खैर हम हसीन हैं, हम पे सब जचता है, बट नो नो फॉर दिस वन। फिर मैंने अपने दिल पे एक बड़ा वट्टा रखा और मैंने बोला निशु चाली ये बहु ही भारी भरकम सूट पा ले, चाहे तुम्हारी अंदर वाली रूह भी गर्मी से तड़पे, लेकिन फैशन फुल स्विंग में होना चाहिए। मैंने ये सूट पहना, गाइस इसके बहुत सारे सवाल थे कि ये कहाँ से है, कैसे बनाया, कितने में बना, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने जानना है मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। बस पार्टी नहीं रुकनी चाहिए जनाब, गर्मी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो। मेकअप करूंगी अभी मैं घर में, एंड हेयर स्टाइल मैं सैलॉन में बनाऊंगी। एलेयर से मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, जोड़ा बड़ा ही कोई लश पश लग रहा था, लेकिन मुझसे पूछो कि कितनी गर्मी थी। गाइस मैंने यहाँ फटाफट फेस वॉश किया क्योंकि मैंने जूतों में भी हाथ मारा था, ठीक है, आपके हाथ साफ होने चाहिए, बच्चों को इग्नोर मारे मेकअप करें। एंड देन अगेन मैंने पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर लगाया, इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड वाइटामिन ई जनाब, फुल ऑफ मॉइस्चर, आप स्किन चेक करें, सुपर बाउंसी एंड फ्लॉलेस। हाँ इसका मैंने प्राइमर लगाया और अनाबिया अपनी दुनिया में मगन है। अच्छा जनाब तो मेकअप मैंने कर लिया, ठीक है, बड़ी ख्वारी मुझे हुई ये ब्लैक लगाते हुए क्योंकि मैंने यहाँ ग्लू लगाई थी ग्लिटर्स के लिए, वो यहाँ लग गई थी, उसके साथ ब्लैक चिमट गया, उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल था, बट वल्ला आखिर कर लिया। एंड दिस इज माई फाइनल लुक, अब मैं जाऊँगी सैलॉन, वहाँ से बाल बनवाऊंगी, फिर कपड़े पहनूंगी, फुल लुक आप लोग को दिखाऊंगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सफ़र हो गया शुरू, अब मेरा सफ़रनामा सुन लीजिए। निशु बाजी को भाई 33 साल हो चुके हैं वाकेंट और इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी मैंने सीधा लाहौर का रास्ता पकड़ा। जाना था मैंने पिंडी और 4 घंटे बाद मैं एलेयर के सैलून पहुंची बहरिया ब्रांच में, और वहां पर मेरा इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल बना, मतलब कि वाह, मेकअप और हेयर स्टाइल और जोड़ा निखर के निकला बाहर। ज्वेलरी मैंने ज़ेरोस्की की पहनी थी। अव्वल और आखिर मैं और मेरे
दोस्त जो हैं वो पहुंच गए वेन्यू पे. इतना खूबसूरत वेन्यू था, इतना खूबसूरत और खूबसूरत खूबसूरत लोग. एक मैं ही नहीं थी जिसने भारी भरकम जोड़ा पहना हुआ था. जब मैंने बाकियों को देखा तो मेरे दिल को ज़रा तसल्ली हो गई. ये मेरी थी फाइनल लुक. और फलक को बहुत सख्त वाली खुशी थी मेरे आने की, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से मीटअप्स पे आती हूँ. मैडम, कैन यू शो मी योर आउटफिट प्लीज? पीछे हो जाओ. सोनी, आप भी आए जरा कैमरे में घूम जाएं. अरे वाह, प्यारे लोग. फिर और भी प्यारे प्यारे लोग, समझ तो गए होंगे आप. सो प्लीज काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टार ऑफ द शो द ब्राइड इज हेयर. बहुत प्यारी और बहुत हसीन लग रही थी. नौशी का यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है. कांग्रेचुलेशंस. और हम यहाँ नाकाम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की. ये फलक का आइडिया है और ये फराह हारिस है. भाई बद से बदनाम सही, कोई नाम सही. बद से बदनाम सही, कोई नाम ही सही. जनाब इतनी खोलती गर्मी थी कि बैंड वाले आए, लेकिन बैंड वालों से पहले मैं नस के घर आ गई. मैंने जोड़ा वेन्यू पे चेंज किया, मेकअप मैंने गाड़ी में बैठ के ही रिमूव कर दिया. वापस आई, अब सोने का टाइम है. लेकिन जनाब स्किन केयर मस्ट है. सोनी जई चंगी जई स्किन चाहिए तो स्किन केयर ज़रूरी. सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया. अपनी मर्जी का कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लो. अपनी बूथी वाला टावल जो है वो अलग रखो, ठीक है. उससे अपना सर और अपना बदन पोंछने की ज़रूरत नहीं है. आई क्रीम बहुत ज़रूरी है अगर आप जो है 25+ हो. सोनी हो, आई बैग्स और डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए. अपनी ज़िंदगी के दुख नज़र नहीं आने चाहिए. सो उसके बाद लगा लीजिए सीरम जो आपकी स्किन को सूट करता है. देन लिप बाम बहुत ज़रूरी. भाई आपके लिप्स सूखे फटे नहीं होने चाहिए. सीरम हो गया एब्जॉर्ब. अब हम लगाएंगे पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर. भाई ये तो मस्ट है. इसमें हाइलरोनिक है, इसमें विटामिन ई है, फुल ऑफ मॉइस्चर, फुल ऑफ हाइड्रेशन. ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है. चाहे आप टीनेज हो, चाहे आप 25+ हो. गर्मियों में ऐसा ही मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए कि आपकी स्किन पर गर्मी फील ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों. तो भाई अभी मैंने यहाँ पर ना आपको हल्का सा बताया कि स्किन को मसाज करने से आपकी स्किन कितनी टाइट होती है. तो मेक श्योर स्किन मसाज ज़रूर किया करें. एंड गुड नाइट गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.